बड़ी खबर आपको बता दें, बीएचयू में हुए इफ्तार का मामला अब्दुल पकड़ता जा रहा है। छात्रों ने वीसी कुलपति आवास का शुद्धिकरण किया है, गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। वीसी आवास पर छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों ने विवादित नारा लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की है। तो आपको बड़ी खबर बता दें, बीएचयू में हुए इफ्तार का मामला अब्दुल पकड़ता जा रहा है। छात्रों ने वीसी कुलपति आवास का शुद्धिकरण किया है, गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। वीसी आवास पर छात्र लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों ने विवादित नारा लिखने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था वीसी कुलपति द्वारा, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया और जो हिंदू छात्र हैं वो काफी भड़क गए। इस बीच हमारे साथ प्रसपा नेत्री मिथिलेश सिंह जुड़ चुकी हैं। मिथिलेश जी, स्वागत है चैनल में हमारे आपका। जी मनीष जी, मिथिलेश जी, एक बार फिर से बीएचयू सुर्खियों में आ गया है। इस बार सुर्खियों में इसलिए आया है क्योंकि बीएचयू में इफ्तार पार्टी हुई, जिसके बाद कई जो हिंदू छात्र हैं वो भड़क गए और आज जो बीएचयू के जो छात्र हैं वो उन्होंने कुलपति आवास का घेराव किया, वहां नारेबाजी की और उसका शुद्धिकरण भी किया गया गंगा जल से। किस तरह देखती हैं आप इसको? मनीष जी, जो बीएचयू के छात्र कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि ये इफ्तार पार्टी किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में नहीं होनी चाहिए। ये जो वहाँ के कुलपति हैं, आधिकारिक परंपरा के तौर पर ये कर रहे हैं और खुद का खर्चा लगा के और अपने विश्वविद्यालय के तंत्र को बुला के, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, विद्यालय में मुस्लिम हिंदू सभी बच्चे पढ़ते हैं, तो वो लोग खुद ही अपने हिसाब से प्रतिवर्ष की तरह कर लेते हैं आपस में, तो कभी दोष नहीं हुआ। कुलपति को क्या जरूरत थी कि वो अपने खर्चे से पूरे तंत्र को बुला के और इफ्तार पार्टी करे? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चे कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं और इसका मैं बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, एक चीज और देखा गया है कि अगर कभी एएमयू में इसी जैसे ही लेकर बवाल हो जाता है, अगर कोई हिंदू कोई कुछ करता है, या फिर आप जेएनयू में कुछ को, अभी पूजा पाठ को लेकर बवाल हो गया था, जेएनयू में बहुत बड़ा बवाल हो गया था, तो क्या ये एक जो जितने विश्वविद्यालय हैं और बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं, अब ये जो विश्वविद्यालय हैं जो पढ़ाई के लिए जाने जाते थे, जिनका नाम पूरे विश्व में सिर्फ इसलिए विख्यात है क्योंकि यहाँ के जो छात्र हैं काफी इंटेलिजेंट निकलते हैं और बड़े बड़े औहदों पर रहते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक राजनीति का केंद्र बन गया है विश्वविद्यालय, पढ़ाई से ज्यादा अब यहाँ ऐसे विश्वविद्यालयों में राजनीति हावी रहती है। मनीष जी, ये सारे वहाँ के कुलपतियों का दोष होता है। किसी भी विद्यालय में इस तरह से धार्मिक व्यक्ति विशेष या समाज विशेष या जाति विशेष को लेकर, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आधिकारिक तौर पर कोई भी पार्टी नहीं होनी चाहिए। आप इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, लखनऊ में एक नेशनल कॉलेज है, वहां का कुलपति प्रोफेसर मिस्टर सिंह चौहान थे, कभी इस तरह का नहीं हुआ, कभी हड़ताल नहीं हुई, कभी बच्चे हड़ताल, जबकि लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, डिग्री कॉलेज है, सब कुछ है, कभी नियुक्त हो जाए, जो भी होता है उस पर कुलपति का ही दोष होता है। वो अनुशासित नहीं होते हैं क्योंकि वो जाति विशेष पर ध्यान देते हैं और ये सब कुछ जो भी होता है, मैं तो अब कुलपतियों को ही दोषी ठहराऊंगी। अच्छा, मतलब मैनेजमेंट का काफी अहम रोल हो जाता है इन सब के? जी, मैनेजमेंट अगर नहीं, मैनेजमेंट का ही होता है। अगर मैनेजमेंट चाहे तो जो बच्चे होते हैं उनको मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं करता है, कभी हिंदू तरफ कभी मुस्लिम। अब ये बताइए, वहां पर बनारस में ये इफ्तार पार्टी का क्या रहा था? कुछ नहीं था ना। आप फिर हिंदू की दुर्गा पूजा कराओ, ईसाई का चर्च का कराओ, सबका यही कराते रहो, तो बच्चे काय को पढ़ेंगे? वही पूजा पाठ करने को लगेंगे ना, तो सीधे पूजा पाठ विश्वविद्यालय लिखा दो। अभी मैं बता दूं, यही कुलपति का रवैया, अभी वहां पर वेद और कुछ बच्चे होते हैं जो वेदों का पूज करते हैं और ज्योतिष वगैरह करते हैं, तो उनका शताब्दी समारोह था, तो इन कुलपति को वो बच्चे इनवाइट करने गए, तो कुलपति ने ये मना करके कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है।
जबकि महामना ने बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा था कि जहां पर अर्थवेद का पूजन पढ़ाई शुरू होगी, अध्यात्म शुरू होगा, तो सबसे पहले वहां पर पूजा की जाएगी। तो कहीं कहीं एक सिस्टम बन गया है, तो उस सिस्टम में थोड़ी सी पूजा कर दी गई। ये तो ऐसा सिस्टम नहीं कि इफ्तियार पार्टी करो, चलिए इफ्तियार पार्टी करा दिया और आपने स्लोगन लिख दिया, ब्राह्मणों के अपोजिशन में उल्टी सीधी बातें लिख दी, कश्मीर हमारा है, ये सब क्या है? इफ्तियार पार्टी के बनने बाद ये सब क्या है? कुलपति का सहयोग है। मतलब ये जिस तरह से एक इफ्तार पार्टी रखी गई जी और कुलपति के द्वारा ये इफ्तार पार्टी रखी गई, अपने खर्चे पर रखी गई, लेकिन उसके बाद जो स्लोगन लिखे गए वो कहीं ना कहीं वो नहीं, ये निंदनीय भी है। गलत है मनीष जी, कुलपति को बिल्कुल नहीं। फिर कुलपति ने नवरात्रि में दुर्गा पूजा क्यों नहीं कराया? आधिकारिक तौर पर ये इफ्तार पार्टी करा रहे हैं। हाँ भाई, मुस्लिम चार बच्चे हैं, चार बच्चों को लेके आप प्यार से उसमें हिंदू बुलाओ, सब बुलाओ, प्यार एक करने के तरीके होते हैं मतलब इसमें इसमें कहने का मतलब यह है कि पूरा अगर पूरा। इफ्तार पार्टी थी तो सबको बुलाना चाहिए था, इसमें बिल्कुल हिंदू को भी, हिंदू बच्चों को भी बुला के अगर बिल्कुल इसमें बिल्कुल, हिंदू बच्चे सम्मिलित। इतने पागल नहीं है, उनके दोस्त होते हैं मुस्लिम। अरे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो मुस्लिमों से इतने अच्छी दोस्त है, उनके बिना खाना नहीं खाते, लेकिन ये सब कुलपति का दोष है। इसमें मतलब कहीं ना कहीं धर्म को एक तरफ बांट दिया गया कि बांट दिया नहीं, गया। इफ्तार पार्टी है और हम बुला रहे हैं तो हम सिर्फ सिर्फ मुसलमानों को बुलाएंगे, मुस्लिमों को हाँ, बुलाएंगे, अगर इसमें नई कुछ परंपरा हिंदू। शुरू की है उन्होंने, ये नई परंपरा, ये एक तरह से अनुशासनहीनता है। ये कुलपति जी माहौल बिगाड़ रहे हैं जानबूझकर। ये नई परंपरा की गई, इसके पहले कोई कभी हुआ? इफ्तार पार्टी तो दिखा दें, कहीं नहीं हुई, कभी नहीं हुई। तो अच्छा, ये जो कुलपति हैं ये लोग आते हैं एक धर्म विशेष को अपने दिमाग में रखकर आते हैं, और कहा जाता है कि कुलपति की जो कुर्सी है बड़े आसानी से नहीं मिलती है। और वो जो कुर्सी होती है एक जज के बराबर कुर्सी होती है, क्योंकि पूरे यूनिवर्सिटी उसी एक कुलपति के एक एक इशारे पर, एक एक उसके कहने पर टिकी होती है। ये बावजूद इसके अगर कुलपति इस तरह के रवैया अपनाते हैं और जी कभी किसी धर्म विशेष को दिखाने की कोशिश बढ़ावा करते देते हैं, हैं। बढ़ावा देते हैं, यहाँ पर कुलपति महोदय ने शायद ये दिखाने की कोशिश की थी कि मुस्लिम माइनॉरिटी को हम हाँ बढ़ावा देते हैं और हम उनके साथ हैं, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम मुस्लिमों के साथ कोई नहीं है, लेकिन जी यहाँ पर जी जी मामला सिर्फ उल्टा पड़ गया लेकिन मामला। मनीष जी बताएं, सारे कुलपति नहीं होते। मैं आपको बता दूं, ये मिस्टर जैन जब से आए हुए हैं, सारे कुलपति नहीं होते हैं। कुछ ही कुलपति होते हैं जो ये बवाल मचाते हैं, कुछ ही होते हैं ऐसे जिनके दिमाग में होता है कि हमें किसी ना किसी तरह से अनुशासनहीनता फैलानी है। सारे कुलपति नहीं होते, कुलपति के सहारे ही हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के IAS PCS और बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करते हैं। कुछ ही असामाजिक तत्व वाले कुलपति आ जाते हैं जो ये ऐसा करते हैं, जो एक जो कि जैन माइंडसेट साहब लेकर है चलते हैं, जो सिर्फ एक माइंडसेट जी। लेकर चलते हैं कि हम इस माइंडसेट से आए हैं, हम इस तरह का काम करेंगे, हाँ और अगर जो होता है होने दो, उससे हमें क्या लेना देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कुलपति तो भगवान राम की पूजा फोटो भी नहीं लगाने देते, भगवान राम की जगह अपनी फोटो लगाते हैं। क्या कहा जाए ऐसे कुलपति को? नहीं तो इस अगर ये चीजें हुई थी तो छात्रों को कुलपति के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी कि आपने गलत किया है, अगर नहीं, ऐसा है छात्र तो। जाते हैं, छात्रों ने कई बार मिलने का टाइम लिया, कई बार जैसे इनवाइट करने जाते हैं या अपनी बात कहने जाते हैं, कुलपति ये कह के टाल देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं तब है वो कुलपति के टाइम पास। नहीं है, छात्र चले जाते हैं। लेकिन एक चीज और निकल कर आती है कि अगर इस तरह की चीजें BHU विश्वविद्यालय में होती हैं तो एक जो बच्चे हैं बच्चों के जी भविष्य में बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल, असर पड़ता क्योंकि है। आप इस तरह की हरकत करते हैं, अगर आपने नवरात्रि की या फिर आपने हिंदुओं का कोई काम कर लिया या मुस्लिमों का कोई काम कर लिया, एक तरफा अगर आप चलते हैं तो बच्चों के भविष्य हाँ, पर बड़ा चौपट ये हो एक जाता है तरफा कि नहीं होना चाहिए, विश्वविद्यालय पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि नारेबाजी, फिर बिल्कुल घेराव, पड़ता फिर है। क्यों पढ़ाई बच्चों रोकी जाती है। मानसिक तौर पर वो प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कुछ भी करने को, तो ये तो सब कुलपति या शासन प्रशासन सबको ध्यान देना चाहिए। और बच्चों की कोई गलती नहीं, हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो उन्हें करने दिया जाए। हनुमान चालीसा कर गंगा रहे जल, कर। गंगा जल छिड़का रहे हैं तो ठीक है, कुलपति ने क्यों गलती की? अगर कुलपति ने गलती की है तो उसका थोड़ा थोड़ा तो उन्हें खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। नहीं तो उसके लिए तो है ना सरकार, है ना। अब सरकार के, तभी तो जब बच्चे कुछ करेंगे सरकार के नॉलेज में तभी तो जाएगा। बच्चे चुपचाप बैठे रहते तो सरकार को क्या पता चलता? जब बच्चे कुछ करेंगे
हमें खाना नहीं मिलेगा, हम रोएंगे, तभी तो घर वाले जानेंगे इसको खाना नहीं मिला, वरना हमारा घर, हम चुपचाप सोते रहे खाना नहीं, चलो कल मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, तो जो खाना देने वाला मालिक होगा ना वो तो नहीं देगा, जब हम रोएंगे तभी तो हमारे घर वालों को पता चलेगा इसको खाना नहीं मिला, तभी तो प्रक्रिया शुरू होगी। नहीं तो क्या ये आपको लगता है गंगा जल के छिड़काव से ये सब सब अब पूरा विश्वविद्यालय शुद्ध हो गया और कुलपति का आवास शुद्ध हो जाएगा, अब कुछ नहीं है दिक्कत, अब मतलब जब गंगा जल का छिड़काव हो गया, नारेबाजी हो गई, अब क्या अब शांत हो जाना चाहिए? नहीं नहीं ये तो ये है कि भाई जब तुमने स्लोगन लिखा है तो उन स्लोगनों को मिटाने, स्लोगन भी तो ऐसे वैसे होते हैं ना, तो कहते हैं ना कि जब कोई वृक्ष सूख रहा होता है अब गंगा जल से छिड़क दो तो पुनः हरा भरा हो जाता है, तो ये एक हमारी मान्यता चली आ रही है वर्षों से कि अगर कोई अशुद्ध जगह में गंगा जल छिड़क दो, भाई और कुछ छिड़कने, पानी छिड़कने से क्यों नहीं, गंगा जल हमारी पवित्र होती है, उसको वर्षों वर्षों रख लो, आप कीड़े नहीं पड़ते, तो गंगा जल का मान्यता है, उसमें गंदे गंदे स्लोगन लिखे हैं पंडितों का अपोजिशन में काम हमारे हिंदुत्व के, तो छिड़कने से कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है ना, पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे, पॉजिटिव एनर्जी आती है लेकिन जी, कहीं ना कहीं नेगेटिव जाती है। नेगेटिव जाती है। अच्छा एक चीज और भी है, नेगेटिविटी को हटाने के लिए गंगा जल का छिड़काव किया गया, लेकिन क्या जी अब कुलपति समझ जाएंगे या सरकार की तरफ से अभी एक्शन नहीं लिया गया है, क्या सरकार को एक्शन लेने में कोई देरी कर रही को है? सरकार को एक्शन ये लेना चाहिए कि भाई आधिकारिक तौर पर कोई भी कुलपति अपने खर्चे से जाति विशेष का कोई भी धार्मिक प्रोग्राम बीएचयू या किसी भी डिग्रो कॉलेज इंटर कॉलेज कहीं भी नहीं होना चाहिए जहाँ बच्चों की अध्ययन होता है, जहाँ बच्चे इस तरह से रहते हैं, नहीं अगर अगर करना है तो आप चले जाइए बाहर अपने आवास बाहर पर, चले जाइए अपने घर में बुला लो, हाँ, बाहर पार्कों में पार्टी कर दो, सबको बुलाओ जिसका मन आएगा, विद्यालय के अंदर मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए जिस तरह से इन्होंने किया, सबको इनवाइट करके कार्ड छपा के और बाकायदे इन्होंने किया है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, गलत था जी, मतलब कहीं ना कहीं जो मान लो किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, उनको प्यार था उन 10 बच्चों को, 10 बच्चों को बोला चलो भाई चलते हैं हम लोग प्यार पार्टी, उसमें 10 हिंदुओं को बुला ला, मुझे नहीं लगता कि वो 10 हिंदू नहीं जाते, जाते और बहुत प्यार से हो जाता, ये तो हमें हम किस कैसे लोगों को डील कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक तो वैसे ही यहाँ पर अजान वर्सेस हनुमान की जंग छिड़ी हुई है, फिर उसके बाद बीएचयू में फिर इस चीज की चीज इस तरह की चीजें निकल के आती है, तो बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि यही के छात्र ज्यादातर छात्र राजनीति में कदम भी रखते हैं और उनका भी माइंड उसी तरह सेट हो जाता है। धन्यवाद मिथिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो आपको बता दें एक जो जिस तरह से इस वक्त बीएचयू में चल रहा है, लगातार बीएचयू में किसी ना किसी चीज को लेकर हंगामा होता है, इस बार कुलपति को लेकर काफी हंगामा है, क्योंकि जिस तरह से कुलपति ने एक एक धर्म विशेष को बुलाया, फिर इफ्तार पार्टी दी गई, इफ्तार पार्टी के बाद बवाल शुरू हो गया बीएचयू के अंदर, जो छात्र हैं और कहीं से जुड़ा है, जो छात्र हैं वो काफी नाराज हैं, जो हिंदू छात्र काफी नाराज है, हिंदू छात्रों ने कुलपति आवास का घेराव किया, गंगा जल से छिड़काव किया, कुछ ने मुंडन भी कराया, उनकी ये मांग है कि जो स्लोगन लिखे गए वो भी गलत लिखे गए, और अगर कुलपति सबको बुलाते एक ही धर्म विशेष को ना बुलाकर सबको उस इख्तियार पार्टी में बुलाया जाता तो शायद शायद कुछ अच्छी चीज निकल कर आती और एक भाईचारे का संदेश भी आगे जाता।